13 तो टेक न्यूज है और आज दोस्तों मंडे आ गया है और गर्म गर्म एकदम तवे पे तड़का लगा के लाया हूँ आपके लिए गर्म गर्म टेक न्यूज। तो जैन विश करेंगे फटाफट चार्ज के टेक न्यूज शुरू करेंगे। उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो कोई बात नहीं और बाय द वे आपका ग्रैंड वेलकम मैं आपको करता हूँ। एक चीज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑन कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आपको आप ही को हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे ही मेरे नए नए गर्मा गर्म टेक न्यूज़ या फिर वीडियोस अपलोड होते हैं। और वीडियो से याद है दोस्तों आज मैंने किया है टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगस्त का महीना तो था ही बढ़िया लेकिन सितंबर में उससे भी दुगना फोन्स लॉन्च होने वाला है, ज़रूर जाके देखेगा मेरे चैनल पे है, ज़रूर जाके देखेगा और मुझे बताइए उसके कमेंट सेक्शन में कि भाई आप कौन से फ़ोन के लिए एक्साइटेड हो नहीं हो वो आप मुझे उधर कमेंट करके बता सकते हो। विद एक्साइट अब स्टार्ट करते हैं आतिशी की टेक न्यूज़। तो पहले घर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर मोटरोला से। जी हाँ, मोटरोला का दोस्तों G9 ये जो स्मार्टफोन है वो आज इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। और बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इंडिया में जब भी मोटरोला के फ़ोन आते हैं उससे पहले दोस्तों ब्राज़ील या फिर USA कैनेडा वगैरह में ही जाते हैं क्योंकि वो उधर की ब्रांड है तो उधर ही पहले लॉन्च होते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया में G9 पहले आ गया जो कि मुझे डिसेंट लगा। 11,499 इसकी प्राइस है, मतलब वही 11,500 रुपीज़। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 मिलता है। हाँ, डिसेंट प्रोसेसर है। रेडमी 9 प्राइम अगर आप लेना चाहते थे तो अब मेरे ख्याल से आपको मोटरोला की तरफ बढ़ जाना चाहिए अगर आपने अभी तक रेडमी 9 प्राइम नहीं खरीदा। एक ही वेरिएंट आपको मिलता है, 4GB के रैम, 64GB की स्टोरेज, दो कलर वेरिएंट्स हैं, सफायर ब्लू और फॉरेस्ट ग्रीन, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा फ्लिपकार्ट पे। आई थिंक सो 31 अगस्त को इसकी सेल है, यस, तो 31 अगस्त को आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो। ठीक है, आई मीन क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का प्लास्टिक की बॉडी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की तरफ है, IPS फुल HD प्लस की डिस्प्ले है, 6.5 इंचेस की, बढ़िया है। और रेडमी 9 प्राइम के बदले अगर आपको कोई फ़ोन लेना है तो मोटरोला वन फ्यूजन जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। रेडमी 9 प्राइम से फार बेटर फ़ोन मैं आपको इसको बोल सकता हूँ, बढ़िया फ़ोन है। अगर आपको ख़रीदना है जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए और साथ करते हैं अगला खबर, क्या यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स का 08 ये जो स्मार्टफोन है हमें ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये इंडिया में आ सकता है या फिर हो सकता है कि भाई सितंबर में आ जाए। अब मुझे सॉरी क्योंकि मैंने अपने अपकमिंग टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर में नहीं बताया था आपको कि भाई ये जो फ़ोन है वो आ सकता है सितंबर में, बट अब ऐसा लग रहा है कि एंडिंग ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। और इसमें आपको हीलियो G90T मिल जाएगा, 90Hz की स्मूथ रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, और क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का। काफ़ी बढ़िया ये स्मार्टफोन होने वाला है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे इन्फिनिक्स भी अभी आ रहा है रियलमी शाओमी को देने टक्कर, देखते क्या होता है ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। चलिए रोजाना का अगला खबर क्या यहाँ पर दोस्तों शाओमी की तरफ से। जी हाँ, या फिर मी की तरफ से, वही है दोनों। तो दोस्तों मी का होराइजन लैपटॉप ये तो लॉन्च हो चुका है आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों होराइजन एडिशन का वो लोग टीवी लॉन्च करने वाले 7 अगस्त को। जी हाँ सॉरी सितंबर को। जी हाँ, शाओमी का होराइजन एडिशन वाला टीवी अब कितने इंच का होगा, क्या नाम होगा, होराइजन एडिशन ही होगा ऑब्वियसली, बट कौन से सीरीज में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आना आ जाए, 5 अभी तक आया भी नहीं है बट शायद वही 5 बन जाए। एनीवेज 7 सितंबर को आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। आ रहे हैं, मनु कुमार जैन ने ट्वीट डाल दिया कि भाई 7 सितंबर को हो रहा है मी होराइजन एडिशन स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च, होने दो आएगा तब मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। चलिए और साथ का अगला खबर क्या है यहाँ पर दोस्तों एसुस की तरफ से। जी हाँ, अब दोस्तों एसुस ज़ेनफोन जो 7 सीरीज है आज 24th है तो 2 दिन के बाद ताइवान में लॉन्च होने वाली है। और इसमें सब कुछ मतलब पूरा स्पेक्स इसका लीक हो चुका है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 मिलेगा, 7 की बात करो 7 प्रो में आपको शायद 865 प्लस मिल जाए, हु नेवर नोस। तो जी हाँ, साथ में इसमें IPS डिस्प्ले मिलेगी 60Hz की जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ डिस्प्ले से।
लेकिन एसस की डिस्प्ले अच्छी होती है, एक चीज़ मानना पड़ेगा। मैंने नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने रेडमी के 20 प्रो प्लस जेनफोन 6Z ये जो फ़ोन है, इन दोनों का डिस्प्ले कंपैरिजन किया था और जो जीता है वो सीरियसली बहुत ही बढ़िया है। एसस का 6Z इसकी डिस्प्ले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एमोलेड होती तो अलग ही मज़ा होता था, रिफ्रेशर्स होता तो और भी अलग मज़ा होता था, बट अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आ रहा है 26 सितंबर को, सॉरी अगस्त को, कल ही मतलब 2 दिन बाद आ जाएगा। आप एक्साइटेड हो एसस के जेनफोन के लिए? और हाँ, सितंबर में भी आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, जाके देखिए वो वीडियो। चलिए उस वक्त अगला खबर कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, वन प्लस की तरफ से। जी हाँ, वन प्लस दोस्तों एक ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 460 वाला फ़ोन जो है वो इंडिया में लॉन्च कर सकता है अक्टूबर के महीने में। जी हाँ, सितंबर में एक बिली करके आ रहा है, शायद ये वो ना बन जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। वन प्लस क्या कमाल करता है, सितंबर के अंदर 2 फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, ये का पक्की खबर है। और जो ये जो है 460 वाला वो पता नहीं कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। वन प्लस अभी बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया एक प्राइसिंग में, 460 प्रोसेसर 4 साल पुराना, 2-3 साल तो पुराना होगा ही, आई डोंट नो। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए उस वक्त तक अगले खबर के, और आज की सबसे ताज़ा तड़केदार खबर की बात करेंगे तो Realme 7 and 7 Pro दोस्तों बहुत ही जल्दी, मतलब मैं इतना ही कहूँगी कि बगल में ही इसका लॉन्च इवेंट, ऑब्वियसली 3 सितंबर कह तो रहे लीक के हिसाब से, बट माधव शेठ जी ने अभी तक कोई भी टीज़र ट्वीट कुछ भी नहीं किया है कि भाई ये डेट को लॉन्च हो रहा है, ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा है, तो मैं कहूँगा बहुत ही बाजू में एकदम, बस सितंबर आने दो लॉन्च हो जाएगा फ़ोन। जी हाँ, तो रियलमी का 7 Pro का दोस्तों एक पोस्टर लीक हो चुका है, जी हाँ, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब फ़ोन जो है वो सलमान खान जो अपने मतलब बॉलीवुड एक्टर, उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है फ़ोन। मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूँ, तो गाइस ये देख सकते हो, बाय द वे मुकुल शर्मा उनका जो चैनल है @ हुआ है, तो देख सकते हो दोस्तों ये है Realme 7 and 7 Pro का पोस्टर, फ़ोन भी आप देख ही सकते हो। और दोस्तों लिखा हुआ है कैप्चर शार्पर चार्ज फास्टर, मतलब ये कैमरा सेंट्रिक एंड एज वेल एज जो चार्ज मतलब चार्जिंग के ऊपर और कैमरा के ऊपर डिपेंड होगा ये फ़ोन। आ रहा है बहुत ही जल्दी जैसे कि मैंने कहा, तो क्या प्रोसेसर कम होगा, लग रहा है कि 732G होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। वरना तो वो लोग अगर वन, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, अगर ये फ़ोन 120 वॉट के चार्जिंग के साथ आता की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों रियलमी 1000 ट्वीट कर देते कि भाई 120 वॉट चार्जिंग वी आर ब्रिंगिंग सून करके, मतलब पागल कर देते हैं। जी हाँ, रियलमी को आपको पता है क्या करते हैं वो लोग, जो भी होता है पूरा डाल ही देते सीधा, सोचते नहीं बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता 128 वॉट की चार्जिंग होगी, ना ही 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, सोनी का सेंसर। जी हाँ, ये भी एक बढ़िया बात हो गई कि भाई सोनी का सेंसर दे रहे हैं, और जो चार्जिंग होगी मुझे लग रहा है 65 वॉट हो सकती है, वो लग रहा है 99% लग रहा है कि 65% हो सकती है, 65 वॉट हो सकती है, और बढ़िया है, देखते कब आता है। बहुत ही एकदम मैं कह रहा हूँ, इधर ही बाजू में बैठा है रियलमी का सेंसर, इतना नज़दीक है मेरे, तो देखते क्या होता है। रियलमी 7 Pro के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर से भी बाहर से भी एक्साइटमेंट कूदे जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। चलिए उस वक्त अगला खबर क्या यहाँ पर दोस्तों, पोगो। जी हाँ, पोगो बोला, ठीक है पोगो मत समझो, और अभी मैं इसको चिढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि क्या काम किया है भाई पोगो ने। पोगो ने दोस्तों एक ट्वीट डाल दिया, आई डोंट नो ग्लोबल ने डाला, नॉर्मल ने डाला, किसने डाला, लेकिन फ़ोन उन्होंने दिखाया या फिर उसका केस दिखाया है, और उसका जो सर्कुलर पूरा मतलब पार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सीधे ये आप देख सकते हैं, ये है पोको X3 का केस। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और फ़ोन है या केस है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट जो भी है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जल्दी आ रहा है, वेट कीजिए पोको X3 के लिए। और हाँ, बाय द वे उसका एक फ़ोन जो वो FCC सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, और आपको पता है FCC पे लॉन्च लिस्ट होता है उसके बाद क्या होता है, जो वो हमारे क्या बोलते हैं डिजिटल स्टेशन है, वो लोग अंदर घुस के मॉडल नंबर निकाल के ला देते हैं, और उन्होंने लाया वो है दोस्तों पोको X3। ऐसा बताया जा रहा है कि ये नॉर्ड को कम्पीट करने के लिए आएगा, इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, AMOLED डिस्प्ले,
और भी बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा। और इसमें बताया जा रहा है कि 5160 mAh की बैटरी मिलेगी, मतलब कितनी बड़ी बैटरी पोको के फ़ोन में। और साथ में मिलेगा 33 W का चार्जर इन दी बॉक्स, ये मुझे कम लगा, बट 10 में 30 W है तो चलेगा। बढ़िया, ये फ़ोन बहुत ही जल्दी आ सकता है ऐसा कहा जा रहा है, बहुत ही जल्दी सितंबर में आ सकता है। एक पोको का फ़ोन आ रहा है सितंबर में, अब वो कौन सा आ रहा है वो आप मुझे गेस करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज का वही सवाल है, कौन सा पोको का फ़ोन आपको लगता है कि सितंबर के महीने में लॉन्च होगा। हिंट चाहिए तो वो वीडियो मेरा देखिए जो सितंबर वाला था, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब थोड़ी थोड़ी हिंट आ जाएगी, और आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के टेक्निक को तो मुझे मत करता हूँ, आज के टेक्निक पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करना, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अभी भी बोल रहा हूँ, हिंट चाहिए तो वो वीडियो देखो। चलो बाय।